हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद मुझे दो तीन लोगों ने मुझसे यह कहा कि कोई और भी योजना है क्या स्टूडेंट लोन के लिए, तो वो बताइए, क्योंकि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ बिहार के लिए था। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन स्कीम बाय PM नरेंद्र मोदी के इस योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हैं। यह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तीनों लेवल के तकनीकी व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए लागू होता है। नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा ऋण योजना केवल एक विशेष पाठ्यक्रम या भारत में संस्थानों तक सीमित नहीं है। यह हजारों छात्रों को विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने में मदद कर रहा है। इस लोन का डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर। विद्यालक्ष्मी पोर्टल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लोन फॉर्म, नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, अब्रोड एजुकेशन एवं सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिलेगी। आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। लोन आपको किस बैंक से मिल सकता है, किस तरह के एजुकेशन के लिए मिल सकता है, इसका डिटेल इस पोर्टल में दिया गया है। इस पोर्टल में दिए गए 39 बैंक में से आप एक ही आवेदन के साथ अधिकतम 3 बैंकों में आवेदन कर सकते हैं। लोन अमाउंट कितना रहेगा? अप टू 7.5 लाख, या आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे है। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा वो भी डिपेंड करता है लोन अमाउंट, कोर्स, इंस्टीट्यूट एंड बैंक पर। वैसे ऑलमोस्ट 2-13% के आसपास है। लोन का रीपेमेंट कब से करना होगा? जैसे ही आपका एजुकेशन कम्प्लीट होगा उसके 1 वर्ष बाद, या जॉब मिलने के 6 महीने बाद। लोन में सब्सिडी भी दी गई है। परिवार की आय 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इस सब्सिडी का दावा केवल 1 बार किया जा सकता है। क्या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है? हाँ, यदि आप बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हो, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं दिया है, उन्होंने कुछ जानकारी मांगी है वो आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप बैंक से डिटेल जानकारी ले लें।